नमस्कार, वन इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अजय। इंडियन प्रीमियर लीग सीजन 13 का रोमांच इन दिनों यूएई में चल रहा है। टूर्नामेंट में कुछ खिलाड़ी पहले कुछ मैचों में शानदार प्रदर्शन कर रहे थे, तो वहीं कुछ अंतिम चरण में दमदार खेल दिखा रहे हैं। दिल्ली कैपिटल्स के युवा बल्लेबाज पृथ्वी शॉ टूर्नामेंट के पहले चरण में जिस फॉर्म में थे, आईपीएल के दूसरे चरण में उनके बल्ले से वैसा प्रदर्शन देखने को नहीं मिला। पृथ्वी शॉ के खराब प्रदर्शन की वजह से टीम ने उनकी जगह अजिंक्य रहाणे को मौका दिया, लेकिन वो भी अपने प्रदर्शन से छाप नहीं छोड़ सके। मुंबई के खिलाफ मैच में एक बार फिर शॉ को मौका दिया गया, लेकिन इस बार भी वो फ्लॉप रहे। उनके इस प्रदर्शन पर पूर्व भारतीय क्रिकेटर और कमेंटेटर संजय मांजरेकर ने उन्हें वीरेंद्र सहवाग से सीखने की सलाह दी है। पूर्व भारतीय क्रिकेटर संजय मांजरेकर सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं। इस बीच संजय मांजरेकर ने ट्वीट कर दिल्ली कैपिटल्स के सलामी बल्लेबाज पृथ्वी शॉ को सलाह दी है। पृथ्वी शॉ आईपीएल सीजन 13 में खराब फॉर्म से गुजर रहे हैं और पिछले मैच में मुंबई इंडियंस के खिलाफ भी वो ट्रेंट बोल्ट की गेंद पर पुल करने के चक्कर में अपना विकेट गवा बैठे थे। कई मैचों के बाद मुंबई के खिलाफ मौका मिलने पर पृथ्वी शॉ ने 11 गेंदों पर 10 रन बनाए। शॉ के खराब प्रदर्शन के साथ साथ पूरे टीम का प्रदर्शन खराब रहा, जिस वजह से टीम मुंबई के खिलाफ स्कोरबोर्ड पर 110 रन ही बना पाई और 9 विकेट से मुकाबला हार गई। इस हार पर मांजरेकर ने पृथ्वी शॉ के लिए ट्वीट करते हुए लिखा, डियर पृथ्वी शॉ, असंभव शॉट को खेलने का प्रयास मत करो, क्योंकि उन गेंदों पर पुल शॉट मारना असंभव है। वीरेंद्र सहवाग को अपना रोल मॉडल बनाओ, क्योंकि वे सिर्फ उन गेंदों पर पुल शॉट मारते थे जिन पर शॉट मारने के लिए उन्हें भरोसा और काबिलियत थी। पृथ्वी शॉ ने आईपीएल सीजन 13 में अब तक कुछ खास प्रदर्शन नहीं किया है। शॉ ने अब तक खेले गए 11 मैचों में 219 रन बनाए हैं, जिसमें दो बार वो शून्य पर आउट हो चुके हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।